वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आई एम गोइंग आउट टुडे एंड मैं जा रही हूँ एक कोरियन रेस्टोरेंट में विद अदिति एंड आर्श। सो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग करती हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली कभी कोरियन खाना खाया नहीं है। आई हैव ओनली हैड लाइक अ लिटिल बिट ऑफ किमची एंड रामन, बट टुडे वी आर गोना ईट लाइक प्रॉपर कोरियन फूड। हम जा रहे हैं मजनू का टीरा में, एक रेस्टोरेंट है आई थिंक बुसन करके है उसका नेम। सो हम वहाँ पे जा रहे हैं, वी आर सो एक्साइटेड। लाइक अदिति ने तो पूरा मेन्यू डिसाइड कर लिया है कि वो क्या क्या खाएगी। यू गाइस नो शी इज अ फूडी, उसको ये बहुत पसंद है। सो yeah, I'm really excited and I thought I'll vlog it. I'm sorry if I'm speaking weirdly. मुझे बहुत severe tonsil infection हो गया है and बहुत ज़्यादा inflammation अभी मेरे tonsils में। So yeah, I'm in a lot of pain. So मुझसे ना ढंग से बोला नहीं जा रहा। अभी मुझे breakfast करना है, then मुझे तैयार होना है, I have to wash my hair, mask it and then of course makeup, outfit सब करूँगी। I'll show you guys everything. Hello. मेरा नाश्ता आ गया। रेडी। क्या बनाया आंटी? आज है पूड़ा, बेसन का चीला एंड हरी चटनी विद एंड कॉफी विद झाग। फर्स्ट ऑफ ऑल आर यू एक्साइटेड? हेलो हेलो हेलो, आज बहुत इंटरेस्टिंग दिन जाने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। इसे सारा मेन्यू डिसाइड कर लिया कर रात को ही। बताया तूने? हाँ थोड़ा बहुत बताया। क्या कर रहे हो? मैंने ना दवाई ले ली क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा सिवियर थ्रोट पेन हो गया था। मुझे लगा ऐसे तो मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी, बोल नहीं पाऊंगी। आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर क्योंकि मैंने एंटी इन्फ्लामेशन ले ली है एंड ऑफकोर्स आई कंसल्टेड माई डॉक्टर बिफोर टेकिंग इट, सो डोंट वरी। अभी हमने अपने आउटफिट्स प्लान कर लिए। आई विल जस्ट शो यू गाइज वॉट ऑल वी आर वेयरिंग। आई एम एक्चुअली वेयरिंग अ वेरी सिंपल आउटफिट एंड अदिति इज डूइंग हर वर्जन ऑफ अ सिंपल आउटफिट। सो दिस इज वॉट अदिति इज वेयरिंग। इसका ये क्रॉप्ड एसिड वॉश ब्लैक डेनिम जैकेट, कैल्विन क्लाइन का टी शर्ट एंड पेपर बैग जीन्स एंड शी इज गोना वेयर इट विद हर पूमा शूज। So she's pulling an all black fit. All right, I am actually wearing a pinky top. मैंने ये आजियो से ख़रीदा है, ये आप हॉल में बहुत जल्द देखोगे। एंड आई एम वेयरिंग इट विद माई ओन पेपर बैग जीन्स एंड मैं चप्पल एक ही लेके आई हूँ तो मैं वही पहनूंगी, बट वो इसके साथ जाएगा। सो अभी मैं अपना हेयर वॉश करने जा रही हूँ एंड आई टोल्ड यू गाइस दैट आई एम यूजिंग अ न्यू हेयर मास्क एंड दिस इज़ बाय थ्री चप। दिस इज़ द हॉट ऑयल ट्रीटमेंट हेयर मास्क एंड दिस हैज़ केराटिन एंड इट्स फॉर डैमेज रिपेयर। आई टोल्ड यू गाइस इन अ वीडियो प्रीवियसली दैट आई हैव बीन ट्राइंग अ न्यू हेयर मास्क जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं एंड दिस वॉज द मास्क आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सो दिस हैज़ केराटिन एंड केराटिन इज अ यूनिक प्रोटीन, इट इज़ नॉट लाइक अदर प्रोटीन्स एंड ये आपके डैमेज्ड हेयर एंड स्प्लिट एंड्स को ठीक करने में हेल्प करता है। यू गेट अ लॉट ऑफ क्वांटिटी इन दिस, यू गेट 500 मिलीलीटर्स फॉर ओनली 699 रुपीज। एंड लेट मी टेल यू गाइस, इसको फर्स्ट टाइम यूज करके ही आई वॉज सो सरप्राइज्ड। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था आई कुड इंस्टेंटली सी अ डिफरेंस इन माई हेयर, स्पेशली जो मेरे एंड्स है जहाँ पे मुझे स्प्लिट एंड्स है एंड जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा फ्राइड हेयर की प्रॉब्लम हो गई थी। सो जब आप ये लगाते हो आपके हेयर में, इट कोट्स योर हेयर विद अ लेयर ऑफ केराटिन एंड उससे क्या होता है आपके जो स्प्लिट एंड्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। केराटिन प्रोटीन ऑल्सो बाइंड्स मॉइस्चर टू योर हेयर जिससे आपके बाल बहुत शाइनी, वॉल्यूमिनस एंड मैनेजेबल हो जाते हैं। द फर्स्ट टाइम आई यूज्ड इट आई सॉ अ वेरी बिग डिफरेंस बिकॉज यू गाइस रिमेंबर मैंने जो अपना पुराना ट्रीटमेंट किया था उससे मेरे बाल जो है बिल्कुल फ्राइड हो गए थे एंड लॉट ऑफ यू एक्चुअली टोल्ड मी कि मेरे वीडियोज में दिख रहा है कि मेरे जो एंड्स है वो कितने डैमेज्ड है, बट ऑफ लेट मुझे वो कमेंट्स नहीं आ रहे क्योंकि मैं ये पिछले 3-4 हफ्तों से यूज कर रही हूँ। सो राइट नाउ माई हेयर इज इन अ बेटर कंडीशन, इट ऑल्सो रिड्यूसेस फ्रिज, दिस ऑल्सो हैज अ रियली प्लेजेंट स्मेल। यूजुअली ना जो केराटिन ट्रीटमेंट होता है उसके जो स्मेल है दोज आर रियली पंजेंट एंड इट स्टेज इन योर हेयर फॉर लाइक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट दिस हैज अ वेरी प्लेजेंट सेंट। आफ्टर यू यूज दिस इन योर हेयर इट वोंट मेक योर हेयर स्टिंकी एंड यू नो यू कैन एक्चुअली गो आउट एंड स्टफ। बाहर अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट कराओगे तो आपको वो एक्सपेंसिव पड़ेगा एंड आई फील लाइक वो थोड़े डैमेजिंग होते हैं बिकॉज दे डू इंड्यूस अ लॉट ऑफ हीट टू योर हेयर। दिस इज ऑलरेडी लाइक अ हॉट ऑयल ट्रीटमेंट जिसमें केराटिन है, सो आई फील लाइक दिस विल नॉट डू एनी डैमेज टू योर हेयर एंड इट विल गिव यू रियली गुड रिजल्ट्स। द वे आई लाइक टू अप्लाई दिस हेयर मास्क इज बाय सेक्शनिंग माई हेयर एंड मैं फिर एक एक स्ट्रैंड में अच्छे से फ्रॉम रूट टू टिप लगाती हूँ एंड आई रियली लाइक टू कोट माई हेयर विद द प्रोडक्ट। और फॉर दैट प्रॉपर सलोन लाइक हेयर स्पा वॉट यू कैन डू इज कि आप अच्छे से अपने स्कैल्प को मसाज कर सकते हो, लाइक अ गुड स्कैल्प मसाज, सो दैट आपका जो स्कैल्प का ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाए। एंड देन रैप योर हेयर इन अ हॉट टावल एंड लीव इट फॉर 10-15 मिनट्स, यू कैन ऑल्सो लीव इट फॉर लाइक 20 मिनट्स इफ यू आर फीलिंग लाइक इट एंड देन वॉश योर हेयर विद नॉर्मल वॉटर
वॉटर. यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी कंडीशनर या कुछ भी. दिस हेयर स्पा विल वर्क एज अ कंडीशनर एंड अ हेयर मास्क बोथ. Another cool thing about this product is that it has no parabens and silicones. Okay, so I've washed my hair and अभी ये गीले हैं. I'm gonna let them air dry while I do my makeup. And makeup करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी मेरे बाल कैसे लगते हैं after they have dried down naturally. मैं इस पर कोई heat लगाना पसंद नहीं करती. This is what I look like. I really like my hair and makeup. I just left it अभी natural. मैंने अभी कुछ नहीं किया है. But you can see my hair looks super smooth. Like कोई भी knots नहीं है, कुछ भी नहीं है. I just combed it. मैंने अभी serum वगैरह कुछ भी नहीं लगाया. This is how I'm gonna let it be for now. I'm really happy with this product and how it's working on my hair. I'm gonna continue to use this. Also अभी जो festive and bridal season आएगा, आप लोग salon इतना नहीं जा पाओगे to get your hair spa done. So this is a great alternative कि आप घर पे easily कर सकते हो at a much cheaper rate. I would definitely recommend you guys to give this a shot. एक बार use करके देखो. I'm pretty sure you guys are going to like it as well. I will leave all the links to this in the description box below in case you want to check this out. Okay, so this is what my makeup looks like and Aditi का makeup तो oh my god, I am so excited for you to see her makeup. She did a complete Korean look for a Korean food out. Food out? Wannabe Korean. No, she's not wannabe Korean. I feel like इसका खुद का ये जो एक इसने add किया है with her smoky eyes. Korean smoky eyes नहीं करता. I did myself. मतलब Korean smoky eye ऐसा नहीं होता. मतलब वो हल्का सा. हाँ, वो बहुत ही subtle करते हैं. We don't know what subtle. But मैंने उनके ऐसे plum, ऐसे tinted से lips किए, which I love. मुझे ये look बहुत ज़्यादा पसंद है. Street style look. या ये हमारा स्ट्रीट स्टाइल लुक है. मेरा तो हमेशा स्ट्रीट स्टाइल ही होता है. पहले आप बताइए. ओके, सो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी ये शेयर किया था. आई एम प्लगिंग माय इंस्टाग्राम इन हर व्लॉग. फ्रॉम कैल्विन क्लाइन. दिस इज थ्रिफ्टेड. आई डोंट रिमेम्बर ये शीन की या सरोजनी की. एंड दिस इज ज़ारा जो इसने पहनी है. सेम पेपरबैक. एंड दी स्नीकर्स आर फ्रॉम पुमा. एंड दिस इज फ्रॉम H&M. एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम H&M दी. बट डूड, दिस जैकेट, आई थिंक दिस जैकेट आई एम गोना बोरो. ओके, सो माय OOTD इज आई गॉट दिस फ्रॉम Ajio. मेरे जीन्स सेम ज़ारा के पेपर बैग जीन्स. एंड देन ये मुझे दीदी ने गिफ्ट किए हैं. दिस इज फ्रॉम H&M. द बैग इज फ्रॉम H&M. हम दोनों के पास सेम बैग है. ओके, यू रेडी टू ईट? ओ, आई एम सो एक्साइटेड टू गो टू मजनू का टीला विद माय मजनू. आई वॉज डाइंग टू से दैट. ओके, लेट्स गेट इट. हम आ गए. ये कौन सा रोड है? अरुणा नगर कॉलोनी समथिंग. अच्छा, एंड देयर आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द किड जो हमारे पीछे पड़ गया है. एंड अभी हम जा रहे हैं गोना ट्राई टू फाइंड द रेस्टोरेंट लेफ्ट. तो यहाँ पे फुल मार्केट है. मैं शायद कुछ खरीदूँ. आर्श से हाय. दिख नहीं रहे. आर्श का आउटफिट बहुत अच्छा है. OOTD. अरे तुम तो डेनिम और डेनिम दोनों. ब्लैक एंड ब्लू. मैंने बड़ी. ये काफी अंधेरे रास्ते में है. बुसान की गलियों में. अकेले शहर में. यू थोड़ा डर्टी है ये एरिया. जस्ट एस्पायर. एंड वी आर हियर.
हाँ सूप टाइप, बस स्पाइसी तो नहीं होगा ना? आपको कैसा चाहिए? नॉर्मल नॉर्मल। तो हमने क्या क्या ऑर्डर किया है? टेबुकी, कोरियन बारबेक्यू, फ्राइड चिकन, सोजू। सोजू मुझे नहीं पता था यहाँ पे सोजू मिलेगा क्या? हाँ रामयन, रामन ही होता है वो। एंड हमने थोड़ा सूपी माइल्ड स्पाइसी ऑर्डर किया है। तुम्हें वो नहीं खा रहा सुशी? वो बाद में सुशी तो अभी देखते हैं, ज्यादा पहले इतना तो खा रहे हैं। पहले हम फेमस डिशेस खाना चाहते थे। ये हमारा सोजू आ गया। है ना हम एंड में पीऊंगे। सोजू टेस्ट जस्ट लाइक वोडका। मुझे लग ही रहा था कि ये बिल्कुल ही वो स्पिरिट वाला जो है ना, डिस्टिल्ड स्पिरिट। सो अभी हम एक लेमन ड्रिंक मंगवा रहे हैं जिसमें हम मिक्स करेंगे, बिकॉज मैं आई डोंट लाइक ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। आई इवन डोंट लाइक वाइट अल्कोहल, मेरे से हैंडल नहीं होती है। सेम जी, हमारा रामन आ गया। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैगी की तरह ही लग रहा है। हमारा कोरियन बारबेक्यू हो रहा है एंड इट लुक्स डिलिशियस। दैट्स आर कोरियन चिकन, फ्राइड चिकन। सो ये स्वीट एंड स्पाइसी होता है गैस। एंड ये है टेबुकी, ये अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया। रामन तो बहुत अच्छा था, वे बेटर देन व्हाट आई मेड। आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव दिस। तो अभी हमने कोरियन बियर मंगवाई है। मुझे तो बियर पसंद नहीं, बट क्वार्की एंड आर्श ट्राई करेंगे। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन बियर? किंगफिशर। हमने खाना खा लिया, अब हम मार्केट घूम रहे हैं। मैं घर जाके आपको एक प्रॉपर रिव्यू दूंगी। मार्केट बहुत खाली है एक्चुअली।
अभी हम चल रहे थे एंड आर्श ने ये जगह स्पॉट की कोजा करके इट्स अ वेरी ओह सॉरी अदिति ने स्पॉट किया कोजा एंड यहाँ पे बहुत ही क्यूट चीज़ें हैं सो हाँ बहुत अच्छे स्लिपर्स है यहाँ पे आई शो यू गाइस यहाँ पे क्या क्या मिलता है जस्ट लाइक लुकिंग एट थिंग्स एंड यहाँ पे BT21 का भी मर्च मिल रहा है सो वी हैव चिमी कुकी टाटा ऑल ऑफ दैट ये भी तो BT21 के BTS का वो बैग भी यहाँ पे मैं तो लेने वाली हूँ इसने तो सब देख लिया ओके ये क्या एक ही है एक ही होगा उनके पास ये भी है ओ यहाँ पे BT21 का काफी कुछ मिलता है मैं ले लेता हूँ कुछ क्योंकि मेरे को वो चाहिए ना पॉप सॉकेट तुम ये नहीं आई है पॉप एटूड हाउस का ये अरे इसका तो एटूड एटूड हाउस का मुझे पता है ओके यू गाइस सो वी आर बैक वी हैड सो मच फन मतलब मुझे तो बहुत मजा आया मुझे भी मतलब इतने टाइम बाद मतलब कितने टाइम से हम डिस्कस कर रहे थे कि हम जाएंगे एंड वी वांट टू ट्राई कोरियन फूड एंड फाइनली आज इसके व्लॉग में वी एट सो मच फूड टुडे ओह गॉड सो मैंने सोचा हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ का कितना ऑडियो ऑडिबल था सो आई थॉट कि विल टेल यू वहाँ पे पहुँचने के लिए जो गली थी वो थोड़ी सी ऐसी डार्क सी थी थोड़ा सा रास्ता बाकी ठीक था एंड कैफे भी अंदर जाके है थोड़ा सा जो अरुणा नगर की टिबेटन कॉलोनी है वहाँ पे हाँ पर आप अगर आपको डायरेक्शंस ना मिले तो आप पूछ सकते हो एंड अभी वो एरिया बहुत ही ज़्यादा क्लीन है एंड वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे एंड एक्चुअली मैंने दिल्ली में सबसे ज़्यादा मास्क पहने हुए लोगों को उसी एरिया में आज देखा है लिटरली इवन किड्स एंड एवरीवन हैड मास्क ऑन अंदर जब हम गए तो कैफे इज़ लाइक वेरी नीट एंड टाइडी एंड वहाँ पे बहुत कम लोग थे एंड मुझे उनका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा मीडियम साइज रेस्टोरेंट था ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा बहुत क्यूट सा सीटिंग एरिया था एंड वहाँ थोड़ा सा विंडो भी लगी हुई थी जहाँ से व्यू छोटा मोटा दिखता था क्वाइट नाइस मतलब नेचुरल लाइट भी आ रही थी वहाँ पे तो हमने चार डिशेस मंगवाई हमने क्या क्या मंगवाया एक टोबोकी और रामन कोरियन बारबेक्यू एंड कोरियन फ्राइड चिकन फिर हमने ड्रिंक्स भी मंगवाया था हमने सोजू मंगवाया क्योंकि मैंने सोजू के बारे में इतना सुना है बट ओह माय गॉड सोजू तो बिल्कुल ही लाइक वोडका स्पिरिट एंड हां काफी ज्यादा हाई लेवल का था एंड यू गाइस आल्सो ट्राइड बियर हां कोरियास नंबर 1 बियर पता नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ था उस पे बट इट वाज गुड वॉकिंग फिशर बियर नॉर्मल जैसी होती है वैसी थी ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था सो शी ड्रिंक्स बियर तो वही बता पाएगी मैं बियर नहीं पीती रामन बहुत अच्छा था मेरा तो फेवरेट रामन था टेकबोकी भी अच्छा था वो भी उसको ना बहुत ही च्यूई टेक्सचर था उसकी जो ग्रेवी सॉस थी वो बहुत अच्छी थी मैं तो इवन बारबेक्यू चिकन भी उसमें ऐसे डिप करके खा रही थी बहुत बहुत टेस्टी लगा वो बारबेक्यू चिकन मुझे ठीक लगा मुझे ना कोरियन बारबेक्यू के मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं सो उनका जो स्प्रेड होता है ना वो बहुत बड़ा होता है दिस वाज लिमिटेड लाइक एक दो चीजें ही थी सो आई थिंक आई वुड लाइक टू ट्राई प्रॉपर कोरियन बारबेक्यू एंड उसी के बाद मैं बता सकती हूँ तो मुझे वो अच्छा लगेगा जितनी भी हमने डिशेज ऑर्डर की उसकी क्वांटिटी अच्छी बहुत अच्छी क्वांटिटी ऐसा नहीं था कि छोटा सा दे दिया इवन जो कोरियन बारबेक्यू था उसके साथ जो लेटेस दी थी क्योंकि सारी थी हम खत्म नहीं कर पाए सो मुझे वो अच्छा नहीं लगा बाय द वे मैं इसको लेटेस्ट नहीं पसंद ना एंड मैं बहुत पिकी ईटर हूँ ना तो मुझे कुछ कुछ टाइप की चीजें ही पसंद है मुझे टोबोकी अच्छी लगी वो राइस है वो च्यूई है ना उसका टेक्सचर सही में बहुत अलग है सो इट वाज वेरी गुड एंड आई आल्सो लाइक रामन वो भी अच्छा था बहुत अच्छा एंड देन वी हैड कोरियन फ्राइड चिकन वो नॉर्मल इंडियन चिली चिकन टाइप का था हनी चिली चिकन जैसे होता है वैसा ही था वो पर वो भी टेस्टी था वो दैट एवरीवन एंजॉयड हां इवन मैं घर में पापा के लिए लाई मेरे डैड को भी पसंद आया वो आई थिंक ओवरऑल फूड वाज नाइस लाइक आई वुड गिव द फूड अ 7.5 ऑन 10 एंड आई एम पिकी सो सेम 7.5 ही ठीक है आई थिंक आई वुड लाइक टू ट्राई गिबिम्बाप एंड किम्बाप ओ हाँ हम मोची खाना भूल गए हमें मोची खाना था हम लेकिन पेट बहुत भर गया था बट वी टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स
सो नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू ट्राई मोर. इस बार हमने जो खाया था आई थिंक उसके हिसाब से लेट अस नो और कौन सी डिशेस अच्छी होंगी. एंड वन थिंग आई वांट टू मेंशन इज दैट द प्लेसेस आर लिटिल एक्सपेंसिव. लाइक हमारा बिल था 3000 रुपीज का, विच आई थिंक इज अ लिटिल प्राइसी इफ यू आस्क मी. आई थिंक सोजू वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्योंकि वो प्योर लिकर है, तो फिर वो इसलिए 700 रुपीज. आप नॉर्मल कोक मंगा सकते हो और उसके साथ इफ यू वांट टू ट्राई आउट एंड टेक इट स्लो तो एक डिश मंगाओ उसके साथ को फिर दूसरी ट्राई करो. सो आई थिंक ओवरऑल तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. सर्विस बहुत अच्छी थी. लाइक वेरी नाइस एंड स्वीट, हेल्पफुल, हम्बल पीपल, सब कुछ बताते हैं. इवन इफ डिश का नाम नहीं प्रोनाउंस किया जा रहा या फिर वी डोंट नो, जैसे वो पूरा बारबेक्यू वाला जो डिश थी उन्होंने हमें आ नहीं रहा था या कैसे करें, सो दे वर काइंड इनफ टू हेल्प अस एंड टीच अस ऑल्सो कि क्या करना है, कैसे उसका थोड़ा यहाँ पे फुटेज डाल दिया होगा. सो यू गाइस हैव सीन हमने जाके थोड़ी बहुत चीजें खरीदी. हमने क्या खरीदा वो आप इसके ब्लॉग में देखना बिकॉज उसमें हम पूरा हॉल करेंगे. आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड आपको क्या कोरियन डिश पसंद है अगर आपने कुछ ट्राई आउट किया है. मोर ब्लॉग्स आर कमिंग सून विद द बेस्टी ऑफकोर्स. एंड हाँ, इसके ब्लॉग के लिए भी प्रिपेयर रहना. एंड हाँ, एक और चीज, आई थिंक मैं जब तक ये डालूंगी शायद गिव अवे जो 5 for 5 वाला गिव अवे है वो खत्म हो गया होगा. बट गो एंड चेक आउट हर सीरीज, उसने बहुत मेहनत की है. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट गो एंड वॉच इट अगेन इफ यू हैव ऑलरेडी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन. बाय.